Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जैसा कि विदित है कि संपूर्ण देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और लड़कर उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, हमारा देश भारत भी किसी से कम नहीं है। वह भी इस भयंकर महामारी पर स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। फादर, आपका जीवन भी लोक कल्याण के लिए समर्पित है। आपने भी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का बलिदान दिया है। आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। आपकी उपस्थिति से ही विद्यालय परिवार अपार हर्ष का अनुभव कर रहा है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, उपस्थित जन समुदाय की ओर से हम सबके बीच में तथा समस्त अध्यापकगण, अध्यापिकाएं बनने एवं अन्य आगंतुक गण, आप सभी को आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन्हें ज्ञान कराते रहें, उनके कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन।
अति माननीय प्रधानाचार्य, पूजनीय गुरुजन, कर्मठ और मेधावी छात्राओं और मेरे देश प्रेमियों, मैं अपना भाषण श्री मंगल सिंह सुमन के उन पंक्तियों द्वारा मैं शुरू करना चाहूंगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न रखता पाए दे, कनक तिलियों से टकरा कर उनके पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटोरी गोरी कनक कटोरी की मैदा से, हम स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले पक्षी, हम कैसे उस बंद पिंजरे में रखकर अपनी सुरीली गानों को हम गा पाएंगे, हम उन गंगा यमुना और बहुत सारे झरनों में बहते हुए पानी को पीने वाले तुम्हारे उस बंद उस पिंजरे में रहकर हम यूं ही मर जाएंगे। हम तो आपकी सोने की कटोरी में खाने से मैदे को खाने अपेक्षा हम कड़वाहट पीना भी हम चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हमें उस आकाश की सीमाओं को पार होने की क्षमता है, ताकि उससे हम पार होकर उन सितारों की मोतियों को अपने अपने चोंच से हम उसे उठा लेना चाहते हैं। आज मैं मेरे शिक्षक वृंदों और मेरे प्रिय बच्चों से यही मैं आग्रह करूंगा कि संघर्ष घड़ी में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये सोशल डिस्टेंसिंग आप बता सकते हैं हमारे राह चलने वाले भाइयों को, अब हमारे माता पिता को आप बता सकते हैं इस संक्रामक महामारी से हम कैसे विजय पा सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, वो शिक्षा आपके पास है और हम एकजुट होकर इस पर विजय पाएंगे। अभी याद रखें कि ये समय हमारे लिए शिक्षा कुछ समय के लिए अपना ब्रेक लगाना चाहती है, लेकिन हम इस समय का भी सही समय का पालन करेंगे, सदुपयोग करेंगे। जितने भी ऑनलाइन क्लासेस के हमारे शिक्षक अपने समय दे रहे हैं आपके लिए, यदि आप उसका भी फायदा उठाएंगे तो ये कुछ महीने ऐसे बीत रहा है, उस पर भी हम अपना उससे भी हम फायदा उठा सकते हैं, इसको हम ख्याल रखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए हम एक साथ चलकर एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े और इस देश को हम उस बुलंदियों तक पहुंचाएं जहां पर इसका नाम रोशन होता है और इसकी जिम्मेदारी हर एक के ऊपर है। और मैं आपसे और एक आग्रह करूंगा कि आप हमारे बीच के मन विभाव को आप दूर कर दे, हमारे अंदर में किसी प्रकार की कड़वाहट हो उसे दूर कर दे, तब इस समय जो वैश्विक महामारी के समय है हम एक साथ होकर अपने कदम को साथ में आगे बढ़ाते हुए सब पर विजय पाते हुए इस तिरंगे का शान हम रख सकते हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के द्वारा मैं भी अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश
ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ाद हुआ और इस दिन को हम सभी भारतवासी बहुत ही उत्साह और गौरव से मनाते हैं। आज़ादी मिलने के बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 साल गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। स्वतंत्रता सेनानियों ने कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज जैसा कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के सभी उपलब्धियों को हम याद करते हैं, हम अपने सैनिकों को ना भूलें। हमारे बहादुर सैनिकों के लिए धन्यवाद कि हम उनके कारण अपने देश में शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहते हैं। वे भारत को धमकी देने वाले आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। आइए हम अपने सैनिकों से प्रेरित लें और देश में रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने का मिलकर काम करें। आजकल कोरोना वायरस महामारी के कारण हम सबको बहुत परेशानी हुई है। आज हम संकल्प लें कि हम एक साथ मिलकर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोना, घर पर रहना, इन सब को ध्यान में रखकर अगर हम लोग जीवन बिताएंगे तो इस महामारी को हम कोसों दूर भगा सकते हैं और स्वतंत्रता से हम अपना जीवन बिता सकते हैं। सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय फादर थॉमस लंगरा आज की मुख्य अतिथि, सिस्टर जयरानी, सिस्टर दीपा, सारे हमारे प्यारे टीचर और हमारे सिस्टरगण और प्यारे बच्चे, भले हम मुश्किल और संघर्ष इस समय में चल रहे हैं, फिर भी हमारे लिए दिन एक उल्लास और हमारे लिए खुशी का दिन है। आज के दिन में इस माहौल को अच्छे से और उत्तम बनाने के लिए हमारे बीच में फादर थॉमस लकड़ा आए और हमें अच्छे संदेश दिए और हमारे कर्तव्यों को याद दिलाए। उनकी उपस्थिति के लिए और हमें प्रेरणा करने के लिए, आशा दिलाने के लिए हम इस विद्यालय के परिवार की ओर से, सारे हमारे बच्चों की ओर से, भले हमारे बच्चे हमारे सामने नहीं है, फिर भी वे हमेशा इस विद्यालय के सदस्य हैं, साथ ही साथ वही इस विद्यालय की जीवन है। उन बच्चों की ओर से भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह हमारे परिवार में एक सदस्य बनकर हमेशा हमें मार्गदर्शन करेंगे। आपकी मार्गदर्शन द्वारा ये विद्यालय और आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। इसके बाद आज के सारे कार्य क्रम सब कुछ हमारे गुरुजनों के द्वारा किया गया और गुरुजनों ने इस पर बहुत मेहनत भी की है। अगर इस विद्यालय की एक भारत है, ये देश कह सकते हैं, अगर इस विद्यालय में अनेक प्रकार के लोग कार्य करते हैं एक ही उद्देश्य को लेकर, और इस विद्यालय में और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हमें बच्चों को हमारे हाथ में दिया गया है। किस प्रकार के बच्चों को हम अपने हाथ में लिए हैं,
किस प्रकार के बच्चों को हम अपने हाथ में लेते हुए आगे बढ़ने के लिए इन बच्चों को बनाते हैं, किस प्रकार इन बच्चों को इस देश को भविष्य में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ये आर्य गुरुजन का जिम्मेदारी है और सोचने की बात है। आप सब इस जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्य को आप योग्य रूप से करते हैं, इसलिए आज ये कार्य अच्छे से संपन्न हुआ और अपने देश के प्रति जो प्यार और अपने इस विद्यालय के प्रति जो जिम्मेदारी आपने निभा रहे हैं उसको इन छोटी सी कार्यों के द्वारा आप प्रकट किए। साई उपस्थित सारे गुरुजनों के लिए मैं हमारे बच्चों की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो मुख्य प्राणवायु है जिससे हम लोग जीवित रहते हैं वह भी दूषित हो जाती है, तथा प्रकृति जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है, वह अपने प्रकृति को त्याग देती है, तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती है। अतएव इस विकृति को, इस महामारी को रोकने के लिए हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और इस सुरक्षा के लिए हमें वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। तो अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से सागर निवेदन करते हैं कि आप वृक्षारोपण का कार्य संपन्न करें। सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुनके रहट की आवाजें, सुनके रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। ओ,
जो लौट के घर ना आए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए